हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को अपनी किट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 50 सब्सक्राइबर्स पे अपनी किट रिवील कर दूंगा। तो फिर चलिए इंट्रो चला के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी ना मैं आपको अपनी किट की ये वाली पॉकेट दिखाता हूँ। तो अभी इसको हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ये बॉल आती है, ये वाली, ये विकी की टेनिस बॉल है, आप देख के समझ ही गए होंगे। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है। कभी कभार ना बाउंसर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और अब नेक्स्ट फिर आते हैं हम अपनी एक और बॉल पे। तो ये एक पुरानी बॉल है, देख लीजिए आप। ये पुरानी इसलिए मैं रखता हूँ, कभी कभार बैट को नॉकिंग करनी होती है, तो उसके लिए पुरानी बॉल हमेशा होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए, ये है एक सेमी न्यू बॉल। सेमी न्यू क्या, ये ऑलमोस्ट न्यू ही है, बस थोड़ी सी मैं सिर्फ 5 ओवर खेले हैं अभी, क्योंकि मेरी पुरानी बॉल जो सेमी न्यू थी वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ये अब एक वाइट बॉल ये वाली रख ली जाए। ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट जो सामान आता है वो है हमारी ये सनस्क्रीन। ठीक है, इसके अभी आपको सबके सिनेमैटिक्स में दिखा दूंगा क्लोजअप से एक बार, अभी आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से। ठीक है, तो दोस्तों अब ये आता है एक रिस्ट बैंड। ठीक है ना, ये रिस्ट बैंड इसलिए होता है क्योंकि ये जब पसीना आता है हमें, तो हम इससे आराम से साफ़ कर सकते हैं। ये अभी इतना आपको न्यू लग रहा होगा, ये क्योंकि न्यू ही है ये, क्योंकि मेरा पुराने वाला गंदा हो चुका था, तो ये नया ले लिया है मैंने। और फिर अब नेक्स्ट सामान आता है हमारा ये टोनिंग ट्यूब है, ये हाथ की एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए होती है। इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा कि ये क्यों हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इन चीज़ों में से किसी का भी आपको रिव्यू चाहिए तो मेरे को आप ज़रूर से बता देना। तो दोस्तों अब ना हमारी नेक्स्ट चीज़ है ये स्टम्प। ठीक है, ये 3 स्टम्प्स मैं प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ, क्या पता कब काम आ जाए। तो ये पूरी 3 है, सेम ही है। और फिर आ जाता है हमारा ये क्रिकेट बैट, ये SS का है, SS जॉश कश्मीर विलो है। इसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आपको वो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर हमारा बैट। तो दोस्तों अब मेरे पास में अब ये मेन पॉकेट है, तो ये देखो अब ये है हमारे पैड्स। ठीक है, SG के क्लब बैटिंग पैड्स हैं, तो ये हैं। अब फिर आते हैं हम ग्लव्स पे। तो ग्लव्स हैं ये SG सुपर क्लब, सबके सिनेमैटिक्स दिख जाएंगे क्लोजअप से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अ पेयर ऑफ ग्लव्स। उसके बाद में है हमारे पास इनर ग्लव्स। ठीक है, इसका भी एक अंदर पड़ा है, तो एक से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सेम ही होते हैं दोनों। उसके बाद में आता है ये एलगार्ड। फिर ये है हेलमेट, SG का ब्लेस टेक हेलमेट। ठीक है, फिर है ये थाई गार्ड, SG का टेस्ट बैटिंग थाई पैड है ये। तो दोस्तों उसके बाद आती है एक विंड बॉल, ये मैंने अपनी आगे वाली पॉकेट में नहीं रखी हुई थी, ये प्रैक्टिस के बाद मैंने इसमें रख दी थी। तो ये है एक, और उसके बाद ना ये है पोलराइज्ड सनग्लासेस, ये आपकी आईज़ को प्रोटेक्ट करते हैं सन की हार्मफुल रेज से, ये काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं, इन्हें आप हमेशा रखिए अपने साथ। तो दोस्तों ये थी मेरी किट, आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अब सिनेमैटिक से।